आज के इस वीडियो में हम भागीरथी नदी के तट पर स्थित गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे। गंगोत्री धाम जो कि गंगा जी का उद्गम स्थल है, उत्तराखंड के चार धामों में से एक धाम है और गंगोत्री धाम में ही है जलमग्न शिवलिंग, जिसके बारे में मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया था। इस वीडियो में हम गंगोत्री धाम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वास्तविक गंगोत्री की यात्रा का अनुभव होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गंगोत्री धाम कहां पर स्थित है, गंगोत्री धाम कैसे पहुंचा जाए, यहां जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है। हम करेंगे मुख्य मंदिर के दर्शन और जानेंगे यहाँ की पौराणिक कथा के बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे गंगोत्री धाम के आसपास के महत्वपूर्ण स्थान और अंत में हम गौमुख के दर्शन करेंगे, जहां से माँ गंगा की पहली धारा निकलती है। गंगोत्री धाम और माँ गंगा से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम कहता है, गंगोत्री यानी कि वह स्थान जहां पर माँ गंगा उतरी। जी हाँ दोस्तों, गंगोत्री वही स्थान है जहां पर माँ गंगा धरती पर उतरी। भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री धाम है जहां पर माँ गंगा का मंदिर है। गंगोत्री धाम हिमालय की चोटियों में बसा हुआ है और यह समुद्र तल से लगभग 3,140 मीटर की ऊंचाई पर है। गंगोत्री मंदिर गंगा जी के उद्गम स्थल गौमुख के पास भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी गौमुख से निकलती हैं और गौमुख से देवप्रयाग तक उन्हें भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और देवप्रयाग के आगे इस नदी को गंगा जी के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के चार धामों में से एक धाम है। उत्तराखंड की छोटी चार धाम यात्रा में आते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ के ऊपर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसे कि आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा हम अपने आने वाले वीडियोज में यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम को भी कवर करेंगे। गंगोत्री धाम जाने के लिए आपको सड़क मार्ग का उपयोग करना पड़ता है। गंगोत्री हरिद्वार से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पे है। गंगोत्री जाने के लिए आप हरिद्वार, देहरादून या फिर ऋषिकेश तक ट्रेन से आ सकते हैं और अगर आप प्लेन से आना चाह रहे हैं तो गंगोत्री के जो सबसे निकट एयरपोर्ट है वो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून के पास है। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से गंगोत्री जाने के लिए बस एवं टैक्सी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार से बस या फिर टैक्सी ले सकते हैं, जो कि आपको गंगोत्री लेकर के जाएगी। बस या फिर टैक्सी सड़क मार्ग के रास्ते आपको गंगोत्री मंदिर के बिल्कुल पास छोड़ती है। और अगर आप यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम आ रहे हैं तो पहले आपको जानकी चट्टी से धारासू आना पड़ेगा और फिर धारासू से आपको गंगोत्री का मार्ग लेना होगा। गंगोत्री धाम की यात्रा चारों धामों की यात्रा में सबसे आसान मानी जाती है, क्योंकि सड़क मार्ग से आप बिल्कुल मुख्य मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के बाकी धामों के जैसे ग्रीष्म काल में खुलता है। ये मंदिर अप्रैल एंड या फिर मई के पहले हफ्ते में खुलता है और अक्टूबर या फिर नवंबर में बंद हो जाता है। हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलते हैं और दिवाली वाले दिन इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। सर्दियों में इस स्थान पर काफी बर्फबारी होती है और काफी ठंड पड़ती है,
इसलिए शीतकाल में माँ गंगा की डोली को गंगोत्री से करीब 20 किलोमीटर नीचे हरसिल के पास मुखबा गांव में ले जाया जाता है। हालांकि गंगोत्री धाम अप्रैल एंड से नवंबर तक खुलता है, पर यहां जाने का बेस्ट टाइम होता है अप्रैल से जून के बीच में और सितंबर से नवंबर के बीच में, क्योंकि वर्षा ऋतु के समय यहां पर काफ़ी बारिश होती है, जिसकी वजह से यहां लैंडस्लाइड होने का डर रहता है और रास्ते बंद होने का डर रहता है। और ये है गंगोत्री मुख्य मंदिर परिसर। गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में करवाया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने ने कराया है। गंगोत्री धाम में हर सुबह और हर शाम को माँ गंगा की आरती होती है। गंगोत्री धाम की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव इस यज्ञ से काफी भयभीत थे, इसलिए उन्होंने राजा सगर के घोड़े को छल से चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़ा ना मिलने पर राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और वहां जब उन्होंने घोड़ा देखा तो उन्होंने कपिल मुनि को काफ़ी अपशब्द कहे। इससे कपिल मुनि का ध्यान भग्न हो गया और उन्होंने क्रोधित होकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी आँख की ज्योति से भस्म कर दिया और उन्हें राख में बदल दिया। इसके निवारण के लिए राजा सगर नारद मुनि के पास गए, जिसपे नारद मुनि ने कहा कि जब माँ गंगा धरती पे आएंगी तब आपके पुत्रों को मुक्ति मिलेगी। तब पहले राजा सगर ने स्वयं माँ गंगा के लिए तपस्या करी, फिर उनके पौत्र राजा भागीरथ ने यहाँ पर आकर के करीब 5,500 वर्षों तक कठिन तपस्या करी। राजा भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं धरती पर आऊंगी, किंतु मेरे वेग को कौन संभालेगा। माँ गंगा ने कहा कि मेरे वेग को केवल एक ही संभाल सकते हैं और वो हैं महायोगी भोलेनाथ। तब भगवान शिव ने स्थान पर माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया और यहाँ से माँ गंगा नदी के रूप में धरती पर आईं। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी के पास एक शिवलिंग है, जिसे कि जाना जाता है जलमग्न शिवलिंग के नाम से, और इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां पर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया था। इस शिवलिंग के बारे में और जानकारी हम वीडियो में आगे देखेंगे। इस पौराणिक कथा का विवरण माँ गंगा की आरती में भी आता है। पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता, ओम जय गंगे माता। गंगोत्री धाम में मुख्य मंदिर के पास से कुछ सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं, और अगर आप इन सीढ़ियों को लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे प्राचीन भागीरथ तप स्थली पे। यहाँ पर वह शिला है जिस पर राजा भागीरथ ने माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करी थी। इस शिला को भागीरथ शिला के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री मुख्य मंदिर से नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ आपको मुख्य स्नान घाट पे भी ले जाएंगी, जहाँ पर श्रद्धालु भागीरथी नदी के पानी में स्नान करते हैं। और मुख्य मंदिर के सामने की ओर आपको एक काफी सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा, जहां पर हिमालय के ऊपर भगवान शिव
माँ पार्वती, माँ गंगा इत्यादि सभी देवी देवताओं को दर्शाया गया है। गंगोत्री मंदिर के कुछ ही पास में है सूर्यकुंड। माना जाता है कि सूरज की पहली किरण इसी स्थान पर पड़ती है, तभी इसका नाम है सूर्यकुंड। और सूर्यकुंड में ही है एक जलमग्न शिवलिंग, और ये वही शिवलिंग है जिसके बारे में माना जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया था। सर्दियों के दिनों में जब नदी में पानी की सतह कम हो जाती है तब इस शिवलिंग के दर्शन होते हैं। गंगोत्री मंदिर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है पांडव गुफा। माना जाता है कि जब पांडव केदारनाथ जा रहे थे तब उन्होंने इसी गुफा में रुक करके ध्यान किया था। गंगोत्री धाम हिमालय की चोटियों में बसा हुआ है और गंगोत्री धाम से लगभग 19 किलोमीटर आगे जाकर के आता है गौमुख, यानी कि वह स्थान जहां से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी के पानी की पहली धारा इसी स्थान से निकलती है। गंगोत्री धाम से गौमुख जाने के लिए एक पैदल और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। भागीरथी नदी के साथ साथ एक रास्ता जाता है जिसपे यात्री पैदल पैदल चलते हुए गंगोत्री से गौमुख तक पहुंचते हैं। गंगोत्री से गौमुख की ट्रैकिंग के लिए आपको SDM से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और एक दिन में सिर्फ 150 लोगों को ही इस यात्रा पे जाने दिया जाता है। गंगा नदी के पानी का मेन सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर। इस ग्लेशियर की लंबाई करीब 30 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। गंगोत्री ग्लेशियर से जो बर्फ पिघलती है वो गंगा नदी के रूप में गौमुख से निकलती है और गंगा सागर तक का अपना सफर तय करती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। हर हर गंगे। जय जय भागीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद नर नाग विबुद बंदिनी जय जहनु बालिका। हर हर गंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए श्री गंगा मैया की जय। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जैसा कि मैंने कहा था हम अपने आने वाले वीडियोस में यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम को भी कवर करेंगे। इसके अलावा हमने और भी कई सारे वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पे, जैसे कि कैलाश पर्वत के ऊपर, ऋषिकेश के ऊपर, 12 ज्योतिर्लिंग इत्यादि के ऊपर, तो आप उन्हें भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आए।